वो है इंग्लिश ग्रामर में एक पार्ट है, आप सुने होंगे मेनी टाइम्स, बहुत बार आप सुने होंगे, वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का यूज़ हम प्रायः करते हैं, स्टूडेंट छोटे स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है, बड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज बड़ी आसानी से शायद आपको आज ये पूरा वीडियो देखने के बाद एडजेक्टिव समझ में ही आ जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक शब्द है एडजेक्टिव, थोड़ा इसको दो तीन बार आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन से ही इसका मीनिंग क्लियर होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एड, अब देखिए ये एड है, अब इसी में हम लोग एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं, इसी में हम लोग एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये जो एडजेक्टिव है इसका हिंदी में मीनिंग होता है विशेषण। अब देखिए हिंदी मीनिंग है विशेषण और इंग्लिश में है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, इसमें आपको लग रहा होगा कि दो पार्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एडजेक्टिव। तो एड का मीन्स इसका मतलब होता है, एड मतलब तो आप जानते ही हैं जोड़ना होता है, और एडजेक्टिव इसका मतलब क्वालिटी होता है, इसका मतलब क्वालिटी होता है। यानी कि किसी भी नाउन में अगर कोई चीज हम जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, ये इसका रूल है और इसका ये फॉर्मूला है। तो आप इस नाम से एडजेक्टिव, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का जो एक पार्ट है छोटा सा, ये है छोटा सा बट बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी नाउन को, सपोज देख लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर के बारे में हम जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये मार्कर है, ये तो इसका मूल शब्द है, अब इसमें हम जोड़ेंगे। अब देख लीजिए ये मार्कर मोटा है, तो फिर ये मोटा क्या हो गया, इसकी विशेषता को बता रहा है। ये ब्लू है, तो ये ब्लू है इसके विशेषता को बता रहा है। तो यानी आप समझ रहे हैं कि नाउन में कोई भी चीज़ हम जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो एडजेक्टिव हो जाता है। छोटी सी बात है, ऐसे इसकी डेफिनेशन तो बहुत सारा है। तो डेफिनेशन पे जब हम जाते हैं तो इसमें ये भी कह सकते हैं टू ऐड समथिंग टू नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब अगर हम नाउन में कुछ जोड़ें तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। अब देखिए ये ऐड करना जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा ही होगा और हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों चीज इसके पार्ट है। ऐसा नहीं कि अच्छा हम बोल दिए तो एडजेक्टिव होगा, बुरा बोल दिए तो एडजेक्टिव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए जब समझ गए कि ये मार्कर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये ब्लू भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, तो एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कुछ हम प्लस करें या कुछ माइनस करें। या तो वो मोटा है या तो वो पतला है, या तो वो छोटा है या तो वो मोटा है, या बड़ा है या लंबा है। तो कोई भी चीज हम ऐड करते हैं वो एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसे इसकी डेफिनेशन टू ऐड समथिंग और टू ऐड अ वर्ड टू नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इट इज द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये किसके पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आपको पता होगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड है। तो वर्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ब्रदर ये उसमें पता चलता है कि शब्दों के पार्ट्स हैं, ये शब्दों के पार्ट्स हैं, इसीलिए हम लोग इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। स्पीच का मतलब भाषण भी होता है। आप नेताओं के इससे सुने होंगे और समाज में लोगों से सुने होंगे कि भाषण वो देता है, स्पीच देता है। तो स्पीच का मतलब वो भाषण नहीं होता है, यहाँ स्पीच का मतलब शब्द होता है। अब उस शब्द का ये पार्ट है विशेषण, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुछ लोग ये कहते हैं, इसकी परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे, इट इज अ वर्ड विच कम्स टू एड टू प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और टू एनी नाउन। किसी भी नाउन में अगर कोई चीज़ हम जोड़ते हैं, ऐड करने के लिए वो आती है, तो एडजेक्टिव होती है। तो इसकी डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन का परिभाषा का मतलब ये होता है कि जिस भाषा में आप अच्छे ढंग से समझ गए वो परिभाषा हो जाता है। तो यहाँ हम परिभाषा की बात तो कर लिए, अब देखते हैं कि ये एडजेक्टिव की जन्म कहाँ कहाँ से होती है। कुछ लोगों का हालांकि मानना है कि वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे समझते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं क्लासरूम में कि देखिए 8 पार्ट्स हैं एडजेक्टिव के, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। बट इनफैक्ट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हम अगर ये मान लें कि 8 है तो फिर किसी किसी पुस्तक में, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 10 होता है, किसी में मिलेगा 9 होता है, किसी में मिलेगा 11 होता है। तो फिर हम किसको सही माने किसको गलत माने, तब तो कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाएगी। तो उस सबसे बचने के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले एडजेक्टिव, इसके मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। ये फैक्ट है इसके 2 पार्ट। अब देखिए दोनों का नाम एक ही जैसा शुरू है,
अब एक का नाम डी से शुरू है, दूसरे का नाम डी से शुरू है, ये दोनों एडजेक्टिव के मुख्य पार्ट हैं। अभी हम दो मिनट के लिए भूल जाते हैं जो बच्चों ने पढ़े थे एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5 तक पढ़े थे, देर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, देर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, देर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, वी फॉरगेट इट, हम भूल जाते हैं उसे। उसके बाद अभी देखते हैं मुख्य रूप से आपको एक अलग अंदाज से बताते हैं जो आपके दिमाग में डायरेक्ट चला जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के दो मुख्य पार्ट मैं आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम के साथ, दोनों का नाम स्टार्ट होता है डी से, यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, दोनों का नाम डी से स्टार्ट होता है। तो अब देखिए डी से पहले हम लोग डिग्री लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग डिग्री लिखते हैं और इधर जो है ना वो डिटरमाइनर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं इधर डिटरमाइनर्स लिखते हैं, इधर डिग्री लिखते हैं, दोनों का आप देख रहे हैं कि यहाँ भी स्टार्ट हुआ है डी से, यहाँ भी स्टार्ट हुआ है डी से, जो मुख्य पार्ट है ये हम आपको बता रहे हैं फैक्ट, इसके आपको इसके बाद कहीं कोई कॉन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कॉन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब देखिए डिग्री, ये डिग्री क्या हो गया, ये डिग्री ये ओरिजिनल जिसे हम लोग प्योर एडजेक्टिव, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्योर एडजेक्टिव है, क्या है ये प्योर एडजेक्टिव है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं इम्प्योर एडजेक्टिव बोल सकते हैं, इम्प्योर एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ये प्योर एडजेक्टिव है ये इम्प्योर एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों है प्योर और इम्प्योर, ऐसा इसलिए है कि डिग्री के जो फॉर्म होते हैं यानी कि ये क्वालिटी होगी, क्या होगी क्वालिटी है, किसका क्वालिटी है तो नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं तो इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं अपने जरूरत के आधार पे, बट ये जो है ना ये स्टैटिक होता है, इसे हम वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अब इसमें हम क्वालिटी को प्लस माइनस कर लेंगे, अपने जरूरत के हिसाब से बढ़ा लेंगे घटा लेंगे, जैसे यहां हम हैं मान लेते हैं तो हम एक लड़का को देखें जो बहुत मोटा है, फिर कुछ कदम चले तो आगे जाने के बाद एक दूसरे लड़का को देखें तो वो और मोटा दिखा, तो अरे ये तो उससे भी मोटा है, फिर उससे कुछ दूर और गए तो देखे उससे भी मोटा है, तो फिर अरे तो सबसे मोटा है, तो यानी कि हम अपने जरूरत के हिसाब से इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, वरना इसके फॉर्म को नहीं कर सकते, ये इम्प्योर स्टैटिक होता है। अब जैसे आप देखेंगे डिटरमाइनर्स, ये दिस है, तो दिस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते इसके फॉर्म को, अगर चेंज करेंगे तो दिस दैट हो जाएगा, तब प्रेजेंट पास्ट यानी कि उसकी टाइम टेंस बदल जाएगी, तो फिर टाइम टेंस तो बदलना नहीं है, बदलना आपको इसके फॉर्म का है, इसके फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, ये इम्प्योर एडजेक्टिव हो गया और ये प्योर हो गया। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्योर एडजेक्टिव का, इसको डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे ढंग से, फिर बाद हम लोग इस डिटरमाइनर्स को देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं डिग्री, अभी देखिए डिग्री, ये डिग्री क्या है, ये प्योर एडजेक्टिव है, और प्योर एडजेक्टिव कहां से पैदा होती है, अब जैसे आप देखेंगे कि छोटी सी देश है बगल में हम लोग का, पड़ोसी है पाकिस्तान और हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का जब भी वार होता है तो बमबारी कहां से चलती है, चाइना के बॉर्डर से तो होगा नहीं, बांग्लादेश से तो होगा नहीं, कहां से होगा तो पाकिस्तान के बॉर्डर से ही होगा, तो यानी कि सबकी एरिया होती है। तो अब यहां हम देखेंगे कि ये जो क्वालिटी है ये कहां कहां से पैदा हो सकती है, इसके कौन कौन से एरिया हैं और किस एरिया से पैदा हो सकता है। अब देखिए यहां से हम लोग इस क्वालिटी